वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के बारे में, जनगणना 2011 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस कोर्स के दौरान। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे लिटरेसी रेट के बारे में, राइट, साक्षरता दर के बारे में। इससे संबंधित तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के डिस्कशन में हम लोग कवर करेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि हम लोग लिटरेट किसको कहते हैं। देखिए, लिटरेट का मतलब यह है, इंडिया में इसकी डेफिनेशन ये है अभी तक कि 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति जो पढ़ना या लिखना जानता हो उसको हम लोग लिटरेट कहेंगे, उसको हम लोग साक्षर कहेंगे, याद रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक ट्रेंड देखते हैं लिटरेसी रेट का, कि जो लिटरेसी रेट है इंडिया की, जो साक्षरता दर है इंडिया की, उसमें समय के साथ में हमें किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें समय के साथ में हमें किस प्रकार से इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो उसको देखते हैं। देखिए, इस चार्ट में जो लिटरेसी रेट है उसके आंकड़े दिखाए गए हैं आपका 1951 से लेकर 2011 के बीच के। तो देखिए, जो बीच वाली लाइन है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाली लाइन है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दिखाया गया आपका जो इंडिया है, इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, 1951 की अगर जो हम लोग बात करते हैं, 1951 में जो इंडिया है, इंडिया की जो एवरेज लिटरेसी रेट थी वो थी आपका 18.33%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1951 में भारत में लगभग 18% के आसपास जो लोग हैं वो पढ़े लिखे थे, वो लिटरेट थे, वो साक्षर थे। उसके बाद की बात करें, देखिए 1961 में जो इंडिया है, इंडिया की जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो बढ़कर हो गई आपका 28.3%। और उसके बाद अगर जो आप नोट करोगे 1961 के बाद से और 2011 तक आओगे, तो जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और 2011 में ये बढ़कर हो गई 73%। तो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की, मेल लिटरेसी रेट की। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट, इसमें जो आंकड़े दिखाए गए हैं ये आपका मेल लिटरेसी रेट से संबंधित बात करते हैं 1951 की। देखिए, 1951 में जो मेल लिटरेसी रेट थी इंडिया की वो थी आपकी 27.16%, राइट। कितनी है? 27.16%। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में 1951 में लगभग 27% के आसपास जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे। उसके बाद देखिए 1961 में ये हुआ बढ़कर 40% के आसपास, और उसके बाद 2011 तक इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और 2011 में ये बढ़कर हो चुका कितना, 80.9%। तो आपको याद रखना है कि 2011 में इंडिया की जो मेल लिटरेसी रेट है वह आपका 80.9%। चलिए बात करते हैं फीमेल लिटरेसी रेट की। तो देखिए, फीमेल लिटरेसी रेट से संबंधित जो आंकड़े हैं वो सबसे नीचे वाली लाइन पर शो किए गए हैं, यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे नीचे वाली लाइन है। देखिए, बात करते हैं 1951 की। देखिए, 1951 में जो फीमेल लिटरेसी रेट थी इंडिया की वो है आपका 8.86%। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 8% के आसपास ही केवल महिलाएं शिक्षित थी 1951 में, राइट। उसके बाद की बात करें 1961 में इनकी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़कर हुई 15.35% के आसपास, राइट। चलिए आगे देखते हैं, और 1961 से लेकर 2011 के बीच में इनमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो फीमेल लिटरेसी रेट है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और 2011 में ये बढ़कर हो गई कितनी, 64.6%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे भूलना नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ। देखिए, 1951 से लेकर 1971 के बीच का जो समय है, इसमें जो इंडिया की डेफिनेशन थी लिटरेसी रेट की वो क्या थी, वो ये थी कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना या लिखना जानता हो उसको हम लोग लिटरेट कहेंगे, राइट। लेकिन 1971 के बाद में डेफिनेशन चेंज की गई, और क्या डेफिनेशन रखी गई जो आज भी है, वो ये है कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना या लिखना जानता हो उसको हम लोग लिटरेट कहेंगे, उसको हम लोग साक्षर कहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं डिकेडल चेंज इन लिटरेसी रेट की, कि जो हमारा डिकेड है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, इसमें जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट है या फिर फीमेल लिटरेसी रेट है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं 2001 की। तो ये जो बीच वाली लाइन है इस पर ध्यान दीजिएगा, 2001 में जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट थी वो है आपका 64.84%, राइट, और 2011 में ये बढ़कर हो गई है 73%। तो कितना चेंज देखने को मिला है इसमें, कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो आपको याद रखना है 36.16% का इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट में। ये जो डिकेड है 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है,
36.16%। बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट की, पुरुष साक्षरता दर की। देखिए 2001 के आंकड़े देखें तो जो मेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 75.26%। कितना है? 75.26%। और 2011 में बढ़कर हो गया 80.9%। तो कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इसमें? इसमें मिला है 29.15% का। कितना? 29.15% का। बात करते हैं फीमेल लिटरेसी रेट की। देखिए फीमेल लिटरेसी रेट के आंकड़े सबसे नीचे दिखाए गए हैं यहां पर इस वाली लाइन में। सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसमें देखिएगा, 2001 में जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो है आपका 53.67%, राइट। और 2011 में यह बढ़कर हो गई कितना? 64.6%। तो कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इसमें? इसमें मिला है 46.67% का। तो देखिए यहां से आपको एक कंक्लूजन ये निकालना है कि इंडिया का जो एवरेज डिकेडल चेंज है लिटरेसी रेट में कितना है? 36.16%। और बात करते हैं पुरुषों की तो वो है आपका 29.15% और महिलाओं की है 46.67%। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है उसमें हमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें जो डिकेडल चेंज है ज़्यादा है, राइट, कंपैरेटिवली एवरेज से भी ज़्यादा है। एवरेज कितना है? 36.16%। और फीमेल की बात करें तो 46.67%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फीमेल की जो लिटरेसी रेट है उसमें डिकेडल जो चेंज है, राइट, उसमें जो 10 की वृद्धि है वो मेल के कंपैरिजन में, पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम लिटरेसी रेट की और जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको अरेंज करते हैं कि कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो देखिए नंबर एक पर स्थान है केरला का, इसकी जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 94%, राइट। याद रखना है आपको कि जो केरल है, केरल की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। नंबर एक पर है केरला, इसकी लिटरेसी रेट कितनी है? 94%। नंबर दो पर स्थान आता है मिजोरम का, इसकी लिटरेसी रेट है 91.3%, राइट। नंबर तीन पर है गोवा, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जो गोवा की लिटरेसी रेट है वो है आपका 88.7%, राइट। नंबर चार पर स्थान आता है आपका त्रिपुरा का, ये भी आपको याद रखना है, इसकी लिटरेसी रेट है आपका 87.2%। और नंबर पाँच की बात करें तो नंबर पाँच पर स्थान आता है हिमाचल प्रदेश का, राइट, इसकी जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 82.8%। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा लिटरेट कहाँ पर निवास करते हैं? केरला में। उसके बाद में नंबर आता है मिजोरम का, उसके बाद में गोवा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं मिनिमम लिटरेसी रेट की और जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे कम जो लिटरेसी रेट है इंडियन स्टेट की किसी की, तो उसका नाम है बिहार, राइट। क्या है? बिहार। नंबर एक स्थान पर है बिहार, इसकी जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 61.8%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम लोग बात करें कि वो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं, तो उसका नाम है बिहार। कितनी लिटरेसी रेट है इसकी? 61.8%। बिहार से थोड़ा ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश की। तो सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, कितनी है? 65.4%। तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर तीन की बात करते हैं तो राजस्थान, राजस्थान की जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 66.1%। और नंबर चार की बात करते हैं, देखिए वो है आपका झारखंड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। नंबर चार पर आता है झारखंड, इसकी जो लिटरेसी रेट है वो आपका 66.4%, राइट। बात करते हैं नंबर पाँच वाले स्टेट की, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, राइट। आंध्र प्रदेश जो है उसकी जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 67.0%। तो 67% है लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम लिटरेसी रेट वाले जो स्टेट्स हैं उनकी, सबसे कम है बिहार की, बिहार से थोड़ा ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नंबर आता है राजस्थान, उसके बाद में झारखंड और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, राइट। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं यूटीज़ की, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको अरेंज करते हैं लिटरेसी रेट के हिसाब से। तो देखिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं लक्षद्वीप में, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है नंबर एक पर है, इसकी जो लिटरेसी रेट है ये आपका 91.8%, राइट। बात करते हैं नंबर दो की, लक्षद्वीप के बाद में किसका स्थान आता है, तो वो भी आपको याद रखना है। देखिए वो है आपका दमन एंड दीव। क्या है? दमन एंड दीव है। तो सेकंड नंबर पर है दमन एंड दीव, इसकी जो लिटरेसी रेट है वो आपका 87.1%, राइट। बात करते हैं नंबर तीन की, तो देखिए यह है अंडमान एंड निकोबार, इसकी जो लिटरेसी रेट है ये आपका 86.6%। नंबर चार की बात करते हैं, ये आपका दिल्ली, तो नंबर चार पर आता है दिल्ली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। और दिल्ली की जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 86.2%,
याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं नंबर पाँच की। देखिए नंबर पाँच पर चंडीगढ़, नंबर पाँच पर क्या है, चंडीगढ़ है। इसकी जो लिटरेसी रेट है वो आपका 86.0%, 86% जो है ये आपकी चंडीगढ़ की लिटरेसी रेट है। नंबर सिक्स की बात करते हैं, ये आपको पुद्दुचेरी है। पुद्दुचेरी की जो लिटरेसी रेट है वो आपका 85.8% है। कितनी है? 85.8%। और नंबर सेवन की बात करते हैं, जो लास्ट में है वो है आपका दादर एंड नगर हवेली, नंबर सेवन पर है। कितनी लिटरेसी रेट है इसकी? 76.2%। तो ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग बात कर रहे हैं यूटीएज की और उनको अरेंज कर रहे हैं लिटरेसी रेट के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप की, उसके बाद में नंबर आता है दमन एंड दीव का, उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद में पुद्दुचेरी, और सबसे बाद में और सबसे कम लिटरेसी रेट किसकी है? दादर एंड नगर हवेली की। राइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम डिकेडल इंक्रीमेंट की, जो लिटरेसी रेट है उसको लेकर। राइट, और जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको अरेंज करते हैं। राइट, क्या हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ देखने को मिली है, किस राज्य में देखने को मिली है, किस केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिली है, तो उसको देखेंगे, उनको अरेंज करेंगे। तो देखें, देखिए नंबर एक पर आता है आपका, याद रखना है, दादर एंड नगर हवेली नंबर एक पर है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो दादर एंड नगर हवेली है, दादर एंड नगर हवेली में 2001 से लेकर 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि देखने को मिली है साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में। कितनी मिली है आपको याद रखना है? 119.46% के आसपास, 119% के आसपास जो है हमें डिकेडल इंक्रीमेंट देखने को मिला है लिटरेसी रेट में। किसकी? दादर एंड नगर हवेली की। राइट, याद रखना है। देखिए नंबर दो पर आता है दमन एंड दीव। क्या है? दमन एंड दीव। यहाँ पर कितना देखने को मिला है? यहाँ पर 75.63%। कितना? 75.63%। राइट, याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पर हम लोग अरेंज कर रहे हैं जो यूटीज हैं और जो स्टेट्स हैं उनको एक साथ देख रहे हैं। तो देखिए नंबर तीन पर आता है बिहार। क्या? नंबर तीन पर आता है बिहार। यहाँ पर कितना देखने को मिला है? देखिए यहाँ पर मिला है 74.83%। ये भी आपको याद रखना है, 74.83%। क्या हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम डिकेडल इंक्रीमेंट किसमें? लिटरेसी रेट में। नंबर चार की बात करें, देखिए नंबर चार पर स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर कितना देखने को मिला है? 62.94%। नंबर पाँच की बात करते हैं, देखिए नंबर पाँच में स्थान आता है आपका झारखंड का। क्या है? कितना देखने को मिला है यहाँ पर झारखंड में? 59.24%। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भूलना नहीं है। ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो यूटी हो या स्टेट है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें डिकेडल इंक्रीमेंट देखने को मिला है लिटरेसी रेट में, तो आपको बताना है दादर एंड नगर हवेली। कितना है? 119.46%। राइट, याद रहेगा आपको। उसके बाद में दमन एंड दीव, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में झारखंड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट की। क्या? मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट की। राइट, पुरुष साक्षरता दर की। और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से राज्य में या फिर यूटी में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है इंडिया में। राइट, और उनको अरेंज करते हैं। देखिए नंबर एक पर स्थान आता है आपका केरला का। क्या? केरला। याद रखना है आपको, केरल जो है नंबर एक स्थान पर है अगर हम लोग मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं। तो केरल क्या है? केरल में जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष निवास करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। नंबर दो की बात करते हैं, देखिए नंबर दो पर स्थान आता है लक्षद्वीप का। राइट, यहाँ पर जो है केरल के बाद में सबसे ज़्यादा पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो निवास करते हैं। कितनी मेल लिटरेसी रेट है इसकी? 95.6%। कितनी है? 95.6% है। और केरल की कितनी है? केरल की है आपकी 96.1%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे भूलना नहीं है। नंबर तीन की बात करते हैं, देखिए नंबर तीन पर स्थान आता है मिजोरम का। इसकी कितनी है? देखिए इसकी है 93.3%। और नंबर चार की बात करें तो नंबर चार पर स्थान आता है गोवा का। यहाँ की कितनी है? यहाँ की है 92.6%। राइट, और नंबर पाँच की बात करें तो त्रिपुरा का नंबर आता है। नंबर पांच पर त्रिपुरा। यहां की कितनी मेल लिटरेसी रेट है? यहां की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है आपकी 91.5%। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पुरुष साक्षरता दर की, मेल लिटरेसी रेट की, और जो स्टेट्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष निवास करते हैं केरल में, उसके बाद में नंबर आता है लक्षद्वीप का, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में गोवा, और उसके बाद में त्रिपुरा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम मेल लिटरेसी रेट की, कि कौन से राज्य में सबसे कम
पढ़े लिखे पुरुष निवास करते हैं और उन स्टेट्स को हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए नंबर एक पर स्थान आता है बिहार का, किसका, बिहार का, कितनी है, देखिए यह 71.2%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहार है, बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष निवास करते हैं, राइट। तो नंबर एक पर है बिहार, बिहार से थोड़ा ज़्यादा है आपका, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में बिहार से थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष निवास करते हैं। तो इसकी जो मेल लिटरेसी रेट है वह आपका 72.6%। नंबर तीन की बात करते हैं, देखिए नंबर तीन पर स्थान आता है आपका आंध्र प्रदेश का, तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी जो मेल लिटरेसी रेट है ये आपका 74.9%। नंबर चार की बात करते हैं, देखिए मेघालय का नंबर आता है, मेघालय, मेघालय की जो मेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 76%, याद रहेगा आपको। चलिए नंबर पाँच की बात करते हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है नंबर पाँच स्थान पर आता है अगर हम लोग मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो वो कितनी है 76.8%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे भूलना नहीं है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम मेल लिटरेसी रेट की और जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनको अरेंज कर रहे हैं, सबसे कम है बिहार की, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में मेघालय और पांचवें स्थान पर आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट की, कि जो महिला साक्षरता दर है वो कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा है, उन स्टेट्स को हम लोग देखते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो देखिए नंबर एक स्थान पर आता है केरला, केरल की जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 92.1%। तो आपको याद रखना है कि केरल में जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं निवास करती हैं। केरल के बाद में स्थान आता है मिजोरम का, सेकंड नंबर पर है मिजोरम, यहाँ की जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 89.3%। नंबर तीन की बात करते हैं, देखिए नंबर तीन पर स्थान आता है लक्षद्वीप का, तो भूलना नहीं है कि जो लक्षद्वीप है वो फीमेल लिटरेसी रेट के मामले में तीसरे स्थान पर है। कितनी रेट है यहाँ की, देखिए यहाँ की है 87.9%। बात करते हैं नंबर चार की, देखिए नंबर चार पर स्थान आता है गोवा का, गोवा जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट के मामले में चौथे स्थान पर है। कितनी है यहाँ की, 84.7%। नंबर पाँच की बात करें तो नंबर पाँच पर स्थान आता है त्रिपुरा का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रिपुरा की जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 82.7%। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देखिए इसमें केरल का नाम आपको याद रखना है कि केरल जो है, केरल फीमेल लिटरेसी रेट के मामले में शीर्ष स्थान पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं निवास करती हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में और उन राज्यों को देखेंगे जहाँ पर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, तो उन स्टेट्स को अरेंज करते हैं। देखिए नंबर एक स्थान पर है बिहार, बिहार जो है एक स्थान पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहार है, बिहार में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं निवास करती हैं। कितनी यहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट है, तो वो है आपका 51.5%। तो भूलना नहीं है। नंबर दो की बात करें या कहें कि बिहार से थोड़ा ज़्यादा जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है आपका राजस्थान की, तो सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान, तो यहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, वो है आपका 52.1%। नंबर तीन की बात करें तो झारखंड का स्थान आता है नंबर तीन पर, तो वह भी आपको याद रखना है, कितनी है, 55.4%। नंबर चार की बात करते हैं, स्थान आता है जम्मू एंड कश्मीर का, कितनी फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ की, यहाँ की है 56.4%। और नंबर पाँच की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, राइट। याद रखना है कि फीमेल लिटरेसी रेट के मामले में, और क्या बात करते हैं हम लोग, मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट को हम लोग देख रहे हैं, तो पाँचवें स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ की कितनी है, यहाँ की है 57.2%। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम डिफरेंस किसमें, जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है उसमें। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो पुरुष साक्षरता दर है और जो महिलाओं की साक्षरता दर है उसमें सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ देखने को मिलता है, उन राज्यों की हम लोग बात करेंगे और जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको अरेंज करेंगे। देखिए नंबर एक स्थान पर आता है आपका राजस्थान, तो भूलना नहीं है कि राजस्थान जो है, राजस्थान नंबर एक स्थान पर है। किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मेल लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी रेट है उनमें सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर पाया जाता है, तो पाया जाता है नंबर एक स्थान पर कौन है, राजस्थान है। कितना अंतर है,
देखिए 27.1% का, तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है राजस्थान के बारे में। देखिए बात करते हैं सेकंड नंबर वाले स्टेट की, तो नाम आता है झारखंड का, तो भूलना नहीं है सेकंड नंबर पर है झारखंड। कितनी है यहाँ का, यहाँ का जो अंतर है, यहाँ का जो डिफरेंस है दोनों रेट्स में कितना है, 21.4%। कितना है, 21.4%। बात करते हैं नंबर तीन वाले स्टेट की। देखिए नंबर तीन पर जो नाम आता है वो आता है आपका दादर एंड नगर हवेली का। दादर एंड नगर हवेली जो है नंबर तीन स्थान पर है। कितना यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर है 20.9%, तो भूलना नहीं है इसके बारे में। नंबर चार की बात करें तो नंबर चार पर स्थान आता है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर है आपका 20.4%। और नंबर पांच की बात करें तो स्थान आता है छत्तीसगढ़ का, राइट। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है कि नंबर पांच पर स्थान आता है छत्तीसगढ़ का, यहां पर डिफरेंस कितना है, 20.1%, राइट। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अंतर की। अंतर किसमें, जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट है उसमें। और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं उन राज्यों के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में अंतर है। तो नंबर एक स्थान पर राजस्थान, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पढ़े लिखे पुरुष हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा हैं महिलाओं के कंपैरिजन में, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में दादर एंड नगर हवेली, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद में छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम डिफरेंस की। मिनिमम डिफरेंस किसमें, जो मेल एंड फीमेल जो लिटरेसी रेट है उसमें, और जो स्टेट्स हैं उनको अरेंज करते हैं। देखिए नंबर एक स्थान पर है आपका मेघालय, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेघालय है, मेघालय में जो मेल एंड फीमेल की जो लिटरेसी रेट है उनमें बहुत कम अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पुरुष और जो महिलाएं हैं, राइट, उनकी जो संख्या है, या फिर कहें यहाँ पर जो पढ़े लिखे पुरुष और महिलाएं हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग समान है, उनमें बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पे अंतर देखिए कितना है, 3.1% का, याद रहेगा आपको। तो मेघालय नंबर एक पर है। नंबर दो की बात करें तो देखिए दो स्टेट्स के नाम आते हैं, एक है केरला और दूसरा है मिजोरम। तो नंबर दो पर दो स्टेट्स हैं, केरल और मिजोरम। यहाँ पर जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है उनमें जो अंतर है वो समान है। कितना है, देखिए यहाँ पर भी 4% है, और जो मिजोरम है ये भी सेकंड नंबर पर है, और यहाँ पर भी अंतर जो है वो 4% है, तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर तीन की बात करते हैं तो स्थान आता है नागालैंड का। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है आपका 6.7%। तो ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, सारे के सारे याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाले जिलों की। इंडिया के उन जिलों की हम लोग बात करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। तो देखिए वो जिले मिलते हैं आपके मिजोरम में, तो आपको याद रखना कि यहां पर है मिजोरम। मिजोरम का मैप थोड़ा जूम करके देखते हैं हम लोग। देखिए यह है मिजोरम का मैप, और यहां पर ये जो जिला है, राइट, मिजोरम का ये जो जिला, इसका नाम है सरचिप। तो सरचिप पूरे भारत का वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट पाई जाती है, तो नंबर एक स्थान पर है सरचिप। कितनी लिटरेसी रेट है यहाँ की, यहाँ की है आपका 98.76%। कितनी है, 98.76%। और दूसरे जिले की बात करें तो वो भी मिजोरम में ही है, उसका नाम है आपका आइजोल। क्या है, आइजोल है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पर है आइजोल, यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करें तो वह 98.50%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम लिटरेसी रेट वाले जिलों की। तो देखिए जो मिनिमम लिटरेसी रेट वाले जिले हैं, जो नंबर एक स्थान पर है, एक मध्य प्रदेश का जिला है, यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश का वो जिला जिसका नाम है आपका अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर है। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, वो है 37.22%। कितनी है, 37.22%। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया के उस जिले का नाम बताओ जहाँ की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो सबसे कम है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर। सेकंड नंबर की बात करें, या फिर कहें कि अलीराजपुर से थोड़ा ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, तो छत्तीसगढ़ के एक जिले की है जिसका नाम है बीजापुर। क्या है, बीजापुर। यहाँ की कितनी है, यहाँ की है 41.48%। तो इन दोनों जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए मैप में देखते हैं इनको। देखिए यह है मध्य प्रदेश का मैप, और यहाँ पर आप देखिएगा इधर, यह है यहाँ पर अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि अलीराजपुर पूरे भारत का वो जिला है जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे कम है, राइट। देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है, यहाँ पर है ये बीजापुर। बीजापुर जो है वो जिला है
पूरे भारत का, जहाँ की लिटरेसी रेट भी कम है, राइट। आपको याद रखना है इन दोनों जिलों के बारे में कि कोई सबसे कम की बात करें तो बताना है अलीराजपुर, और उसके बाद नंबर स्थान आता है बीजापुर का, ये छत्तीसगढ़ का जिला है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की जो कि संबंधित है आपका लिटरेसी रेट से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग उस डिकेड की बात करेंगे, उस दशक की बात करेंगे जिसमें जो लिटरेसी रेट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो देखिए वो डिकेड है आपका 1991 से लेकर जो 2001 के बीच का डिकेड है वो। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जो बीच वाली लाइन है इस पर आपको ध्यान देना है, 1991 में जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट थी वो था आपका 52.21%, और 2001 में वो बढ़कर कितनी हो गई 64.84%। तो यहाँ पर देखिए कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें लिटरेसी रेट में, तो वो मिला है लगभग 12.63 पॉइंट का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि उस दशक का नाम बताओ जिसमें लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो वो है आपका 1991 से लेकर 2001 का जो बीच का डिकेड है वो। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि इस दशक के दौरान 1991 से लेकर 2001 के बीच में इंडिया में जो नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो ये आपको याद रखना है, तो इस डिकेड का आपको नाम याद रखना है 1901 से लेकर 2001 के बीच का जो डिकेड है, इसके बारे में आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। देखिए अगर जो हम लोग ये बात करते हैं कि 2011 में भारत में कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने लिटरेट थे, तो आपको बताना है कितने, लगभग 76 करोड़ के आसपास। बात करें कि इनमें से कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 2011 में, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बताना है लगभग 32 करोड़ के आसपास, राइट। अगर जो हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग उस स्टेट या फिर यूटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जहां की लिटरेसी रेट सबसे कम है, जहां की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपको बताना है बिहार है, राइट। अगर जो हम लोग ये बात करें कि सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट कौन से राज्य या फिर यूटी की है, तो आपको बताना है कहाँ की है, बिहार की है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है लिटरेसी रेट के बारे में, उससे जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इससे अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की। तो बने रहिएगा साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।